सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कल्पना के बाद उस पर अमल जरूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उस पर चढ़ना भी जरूरी है। सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहें, सुखद मोड़ अवश्य आएगा। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख, नफरत के लिए टाइम ही ना रहें। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे दुखी रहता है। आज का पंचांग 14 जनवरी 2021 दिन गुरुवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि, सुबह 9:01 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र सुबह 5:04 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 1:56 से 3:12 तक रहेगा। आज का बिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:14 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर सुबह 8:20 तक रहेगी। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर सुबह 8:20 तक रहेंगे। इसके उपरांत मकर राशि पर प्रवेश करेंगे। कर्क राशि 14 जनवरी 2021 दिन गुरुवार, पिता या पिता जैसा कोई जो आपके जीवन में विशेष स्थान रखते हैं, आपके द्वारा किसी यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा में होने वाली समस्याओं जैसे बीमारी या सम्मान खोना आदि के लिए तैयार रहें। यह आपके करियर में बदलाव के पल हो सकते हैं। सलाहकार या अध्यापक की सलाह लें। कार्यभार आज आपको मुक्ति दिलाएगी। कुछ नजदीकी लोग आपको हमेशा प्रेरित करते हैं। पुराने ताल्लुकात और संपर्क भी आपकी मदद कर सकते हैं। केवल उन्हीं कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो आप करना चाहते हों। सफलता हमारा परिचय दुनिया को कराती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय कराती है। आज दिन का अधिकतर समय पारिवारिक गतिविधियों तथा निवेश संबंधित कार्यों में व्यतीत होगा। इस समय दोस्तों और जानकारों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने का समय है। ये संपर्क आपके लिए उन्नति के नए मार्ग खोल सकते हैं। कोई पैतृक संपत्ति संबंधित मामला भी हल होने की संभावना है। दिन की शुरुआत से ही कुछ न कुछ नाराजगी आज बनी रहेगी, फिर भी अपने लक्ष्य से आप भटकेंगे नहीं। अपने लक्ष्य को पूरा करने अधिक मेहनत करने की आज आवश्यकता होगी। सावधानियां, अपनी योजनाओं को पूरी तरह से सोच विचार करके ही क्रियान्वित करें। जल्दबाजी करने से दिक्कत आ सकती है। विद्यार्थियों और युवाओं का मौज मस्ती और घूमने फिरने में ज्यादा ध्यान लगाने से आपके लक्ष्य भटक सकते हैं। लेन देन संबंधित कार्यों को अभी टाल दें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो किसी का दिल जीत सकता है। आपकी ऊर्जा अभी उच्च स्तर पर है, लेकिन आपकी छोटी सी गलती अभी आपके सुंदर सपने को चकनाचूर कर सकती है। रिश्तों में गलत फहमियों को ना आने दें, क्योंकि आप दोनों की अपने रोजाना के जीवन से कुछ वक्त निकालें और उनका ख्याल रखें जो आपकी चिंता करते हैं। आपका पार्टनर आपको आकर्षित करता है, आपको उत्तेजित करता है और आप दिल से प्रेम करते हैं। आज अब दोनों एक दूसरे के साथ बेहतरीन पल व्यतीत करेंगे। नए रिश्ते की शुरुआत के लिए अभी आज का दिन बढ़िया है। बात करते हैं करियर की। अच्छा भाग्य आपके साथ है और अभी आप अपने पिता की तरह के व्यक्ति के साथ धर्म स्थान जा सकते हैं। अधिकारी या मालिक से
मिली प्रशंसा आपको और भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। कानूनी मामलों को लेकर चिंतित ना हों, क्योंकि आज सितारे आपके पक्ष में हैं। आज आप व्यस्त रहेंगे, ऐसे में खुद के लिए समय निकालें, अपने खाली समय का सदुपयोग करें और अपने शौक को पूरा करें। आपको कोई अच्छा दोस्त या रिश्तेदार जीवन के हर चरण में आपकी सहायता करेगा। किसी पर निर्भर ना रहें और याद रखें, जब तक आप असफल नहीं हो सफलता का महत्व नहीं जान पाएंगे। बात करते हैं सेहत की। आज आप महसूस करेंगे कि गलत खाने, कम व्यायाम और नकारात्मक विचार का ही परिणाम बीमारी है। हरी सब्जी फल लेना ना भूलें और साथ ही शुगर, नमक और फैट से संबंधित भोजन ना लें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को पीले कपड़े का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।